कैसे होता है, इस बात को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले गर्भधारण के लिए है, यानी इसमें सबसे जरूरी है कि महिला का यानी मानसिक चक्र होना आवश्यक है। ठीक है, पहला क्या मानसिक चक्र, यानी मानसिक चक्र ये कितना दिन पर पुनरावृत्ति करता है, तो ये जो होता है 28 दिनों पर क्या करता है, पुनरावृत्ति करते रहता है। तो इसमें समझे महिला के पास कितना गर्भ होता है, यानी दो, यानी दो ओवम होता है, एक होता है दाहिने बगल और एक क्या होता है बाएं बगल, एक दाहिने एक बाएं। अब देखिए अगर ये जनवरी में स्टार्ट होता है तो ये जो होगा किसमें, फरवरी में, यानी एक बार एक्टिव ये होगा तो एक बार एक्टिव ये होगा, एक बार में दोनों नहीं हो सकता, एक बार में दोनों नहीं। अगर इस मानसिक चक्र में इसमें अगर अंडाणु निर्माण किया हुआ है तो अगला बार जो है मानसिक चक्र में अंडाणु का निर्माण ये करेगा, ये बात समझ में आ गई। यानी ओवम कितने होते हैं, दो, अंडाशय कितना होंगे दो, यानी एक दाहिना और एक क्या बाँ, ये निर्माण करेगा तो ये निर्माण नहीं करेगा, अगर ये निर्माण किया तो ये निर्माण नहीं किया। अब इसमें क्या होगा कि निषेचन की क्रिया होगी, तो निषेचन की क्रिया कब होनी चाहिए, तो इसमें सबसे पहले जैसे एकदम आसान भाषा में समझे, जैसे किसी भी फीमेल को यानी यहाँ पर मासिक चक्र जो आया कितना, एक तारीख, ठीक है, एक, तो एक से लेकर एक तारीख आया तो एक से लेके 7 दिन तक नॉर्मल जो होता है मानसिक चक्र ब्लीडिंग की क्रिया कितना दिन तक होती है, तो ये लगभग होता है यानी कितना 7 दिन तक, यानी डिपेंड करता है महिला पर कि 4 भी होता है 5 दिन भी 6 दिन और 7 दिन तक, तो 7 दिन जो है यानी ये क्या करती है ब्लीडिंग, और 7 दिन तक जो हुआ यानी अंडाशय में अंडाणु जो है यानी बनने का काम क्या कर दिए, प्रारंभ कर दिए, इसमें अंडाणु जो है बनने का कर दिए, यानी धीरे धीरे जो है बनने का काम चालू कर दिए। अब देखिए ये 7 दिन, अब ये जैसा ही बंद होगा यानी 7 दिन से लेके यानी 17 तारीख से लेके 14 तारीख तक, यानी 7 दिन के अंदर ये जो हो गए यानी जो अंडाणु इस दौर में बनना प्रारंभ किए थे, तो बनने का प्रारंभ किए थे कहाँ अंडाणु, तो उस दौरान जो होगा यहाँ पर जो होगा यानी ये परिपक्व होने लगे, मतलब मानसिक चक्र के दौरान अगर ओप्लेशन की क्रिया होती है तो क्या वो महिला गर्भधारण करेगी, आंसर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अंडाणु तो बना ही नहीं, स्पर्म आएगा घूम के मार के क्या हो जाएगा समाप्त होगा, उस कंडीशन में नहीं हो सकता। कब होगा तो जब ये अंडाणु परिपक्व हो जाएगा 7 से लेके 14 दिन यानी 14 से लेके 17 दिन के बीच में, कितना लगभग 3 दिन जो होता है ये अंडाणु यहाँ से निकलना क्या कर देते हैं चालू कर देते हैं, और फैलोपियन नालिका के पास जहाँ निषेचन की क्रिया होती है उसको फैलोपियन नालिका कहते हैं, और यही नालिका के पास जब ये पहुंचेंगे कौन स्पर्म, और स्पर्म पहुंचे तो ये हो जाएगा निषेचन की क्रिया कर, तो इस स्थिति में महिला जो भी गर्भधारण कर सकती है कब, तो यानी 14 दिन के बाद 17 दिन के, यानी 14-17 यानी 14 तारीख से लेकर 17 यानी 3 दिन के बीच में, ठीक से समझते हैं, एक तारीख के मानसिक चक्र प्रारंभ होगा तो एक से 7 दिन तक जो होता है यानी ब्रीडिंग होता है, यानी जो पिछला वाला मानसिक चक्र आया था वह जो होता है यानी उसके वह जो होता है यानी इंड्रोमीटियम की दीवारें पर क्या करते हैं चिपका, और यही इंड्रोमीटियम की दीवारें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण जो होता है टूटने लगते हैं, यही टूटता है तो म्यूकस के रूप में शरीर से क्या निकलता है बाहर निकलता है जिसको मानसिक चक्र कहा जाता है, ठीक है, और उसी दौरान यहाँ पर जो होता है निर्माण करने का काम क्या कर देगा अंडाणु चालू कर देगा, एक से 7 तक ब्लीडिंग इसी दौरान यानी यहाँ से ये इंड्रोमीटियम की दीवारें टूटेगी और यहाँ जो होगा अंडाणु का निर्माण क्या होगा प्रारंभ हो जाएगा। 7 से 14 के बीच में जैसे ही ये इंड्रोमीटियम की दीवार पूरी तरह टूटकर समाप्त हो गई तो 7 से 14 के बीच में जो होगा यहाँ जो होगा ये आपको
अंडाणु यानी निकल के यहां पर इंतजार करने लगे। इसी कंडीशन यानी 14 से 17 लगभग यानी 3 दिन तक ये इंतजार करते। इस कंडीशन में अगर इस पर चला गया तो वहां जो होगा यानी गर्भधारण का भी संभावना 100% जो होता है बन सकता है। तो इस प्रकार से जो होता है गर्भधारण होगा। सुनोगे अब ये क्रिया अगर इस मंथ हो गया, अब मान लीजिए स्पर्म पहले चल गया अगर ये नहीं निकला, अब यही जो होगा 17 के बाद से फिर जो होगा यानी 3 दिन के बाद से फिर निष्क्रिय हो जाएंगे। और 3 दिन के बाद से फिर अगर स्पर्म जा रहा तो ये जो है यानी समाप्त, यहाँ से अंडाणु निकलना क्या होगा समाप्त हो गया। तो उस कंडीशन में फिर गर्भ धारण करना संभव नहीं होता है। कब तक? तो फिर लगभग यानी 14 दिन के बाद ही होगा। तो कंडीशन होता है 3 ही दिन का, समझ में ना। तो इस प्रकार जो है आप गर्भधारण कोई भी महिला जो है गर्भ धारण करती है, अगर ये कंडीशन आएगा तो जो है गर्भ धारण होने की संभावना नहीं होती। वही आएंगे निषेचन कर लेंगे और निषेचन करने के बाद से जो होगा यानी जो होगा यही अब क्या होगा यानी जायगोट बना देगा। यही जायगोट यहाँ पर आ जाएगा जिसको गर्भाशय कहा जाता है और यही गर्भाशय के पास, ठीक है, गर्भाशय के पास जो होता है यानी बच्चा धीरे धीरे जायगोट से गर्भाशय भ्रूण बनाएगा। अब भ्रूण से बनाते बनाते यानी विकसित पूर्ण रूप से होगा। अब प्रसव की क्रिया के द्वारा शरीर से क्या हो जाएगा बाहर, जैसे बच्चे, जैसे बहुत लोग सुनते हैं बच्चे जो होते हैं पेट में होते, बच्चे पेट में थोड़े होते, बच्चे जो होते हैं गर्भाशय में होते, अमाशय में नहीं, पेट ये तो हो गया कि अमाशय, अब अमाशय में थोड़ी होता है, ये क्या होता है गर्भाशय में होता है। तो इस स्थिति में बच्चे को होता है जन्म देता है। तो इस प्रकार से गर्भ धारण की प्रक्रिया होती है जिसको हमने समझा। ये मानसिक चक्र 28 दिनों पर पुनर्वृत्ति चलते हैं। हाँ, अगर कोई पूछेगा कि बिना मानसिक चक्र के क्या बच्चे को जन्म दिया जा सकता है, आंसर होगा नहीं। क्या अंडाणु धारण नहीं रहेगा तो क्या बच्चे को दिया जा सकता है, आंसर होगा नहीं। लेकिन वर्तमान समय में IVF तकनीक के द्वारा, ठीक है, यानी बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी के पास यानी मानसिक चक्र नहीं रहे, अंडाणु का निर्माण नहीं हो, लेकिन वह भी बच्चे को जन्म दे सकते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा, तो IVF, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से यानी डायरेक्ट जो होता है गर्भाशय में निषेचन क्रिया बाहर कराकर गर्भाशय में बच्चे को यानी जायगोट को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, उसके बाद से वह बच्चे को जन्म दे सकते हैं, समझ में आया ना। इन सारे अगला वाले हम बनाएंगे इन विट्रो क्या है।